तो दोस्तों देखें, जो हमने इतनी मेहनतों से ये जो पिंजरा बनवाया था ना अपनी बकरियों का, देखें तो आज हम ना इसको तोड़ने लगे हैं। तो तोड़ने की वजह तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अभी अकेडमी से आया। तो अरसलान ने कहा आज इसको तोड़ें। अरसलान सब क्यों तोड़ना है इसको? इसको इसीलिए तोड़ना है क्योंकि ये देखो यार, इसको ये बाहर की चीज़ नीचे हुआ पड़ा है। तो जो हमने नया बुलवाया ना आदमी, वो अंकल कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने ना गाटर डालना है, जिसकी गाटर ना कि सही है चीज़ फिर रहेगी, फिर नीचे नीचे नहीं झुकेगा। तो उसके बाद ये दीवार है ना, ये दीवार हमारी वो नीचे से तुझे पता है निकाला था ना, वो अगर ये ऐसे खड़ा रहा तो खुदा ना खाता कोई एक महीने में, दो महीने में, या जब भी वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे होता जाएगा। मुझे और टीयर है ना टीयर, वो मुझे टूट जाएगा या ये भी नहीं, वो नहीं उतारना। सिर्फ ये जो दीवार है ना, ये दीवारें सही रहनी है, सिर्फ ये दीवार और ये छत, हाँ पूरा ये जो बांस वगैरह है ये सब उतार देनी है। यार हमने कहा, हमने जो नया आदमी आया ना उसको हमने कहा था, लेकिन वो कह रहा था कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका काम सही हो फिर तो ही उतार दें ऊपर से था। फिलहाल इसको नहीं उतारा, इसको नहीं उतारना, इसको ना छेड़। चलो फिर मैं भी साथ देता हूँ। वैसे दिल तो नहीं कर रहा दोस्तों तोड़ने का, लेकिन तोड़ना पड़ेगा, हमारा ही फायदा इसमें। मेरा तो काया तोड़ने का, ये ऊपर वाला भी सारी जुमेटे एक एक लगाओ। हाँ ये बात, ये दिखा, ये लो, ये देखें यार, ये तो छापर के साथ चिपका हुआ है। तो आराम से उधर छापर को ना खानी, ये तो बिल्कुल छापर के साथ जमा हो, जो उतर रहा है उतर रहा है। यान 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 आई जी, मैं ये देखो छापर का डिजाइन बना हुआ है यार, यहाँ से छापर फट रहा है, इतना का तो फटेगा ही। रुक जाओ रुक जाओ एक मिनट, ये लो बच गया, चापर पटरे से मैंने बचा लिया है। ये आसमान पे फिलहाल को खड़ा है, वहां रखनी है। चल इधर इधर नीचे फेंकी जा, फेंकी ना इधर, मुझे पकड़ा यार, पकड़ा दे ना कर। चलो ये पकड़ ले ध्यान से यार, लो जी पहले काला दिल इसको तोड़ने क्यों तुम्हारी गलती कर रहा है, तू तो जब ने ओ खुदा बनेगा। हां वो होगा प्यारा, मुझे लगे कि वो लॉस लॉस जान यार, वो ना हम नीचे से ले आए, नीचे सच ले जाए पूरन, पूरन नीचे ले जाए, नीचे लेके जाए। हाँ नीचे लेके जानी है। और ये काम ये अभी अभी रहने दीजिए, लंबा काम इधर नीचे आओ, पहले पूरन डाल रहा हूँ अंदर डालनी, बकरा सही नहीं है, बकरा अंदर हमने करना है वाशरूम के। आजा आजा छोड़ दे एक मिनट यार, बस ये एक मिनट, चलो बस टोल नहीं होना, आजा एक रहेगी ना, एक गाय मैंने काम पड़ी है पूरा ना इसके नीचे, कहाँ पे पूरी, ये भी पकड़े तामिया भी पकड़ने, ये और ये। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पूरन पड़ी हुई है अंदर, तो ये हमने बाहर ना सूखने के लिए डाली हुई थी, लेकिन फिर हमने कल शाम को अंदर कर ली, क्योंकि हमें लग रहा था कि बारिश आएगी, बादल बने हुए थे लेकिन बारिश नहीं आई, तो इसकी वजह से इसको अंदर ही पड़ा रहने दिया। और अब ये ना इकट्ठी करके नीचे जा के डालते हैं वाशरूम में, और फिर अपने बकरे को ना हम बंद करते हैं। तो देखिए अब अरसलान को मैंने दे दिया, तो अरसलान है पूरन डाल रहा है, जल्दी से यार डाल के आ नीचे। चलो जी नीचे चले। चलो और यहाँ देखिए हमारी मुर्गियाँ कैसे घूम फिर रही है, ये एक ही मुर्गा रह गया अब, बाकी हमारे सील हैं, और बाकी ये देखें अंदर हैं, कुछ अंदर हैं और कुछ उस तरफ गई हुई हैं, और बाकी यहाँ पे देखें दोस्तों ये देखिए काम काम कर लगा हुआ है, जो आपको साइड साइड पे ये सारे वार नज़र आ रहे हैं ये ना अभी सारे ही हटा देने हैं,
फिर ये हमारी जो मिट्टी है ना ये हटेगी, फिर छापर इसके नीचे है वो, फिर के नीचे और क्या था स्लान, चिटाइयाँ सी, हाँ सिरकी और उसके बाद चिटाइयाँ, इतनी चीज़ें, और उसके बाद फिर जाके वहाँ से निकलेंगे। ये देखे ये हैं बांस, ये बीच में लगे हुए हैं, बांस नहीं बांस, बांस होता है बांस, बांस नहीं होता जान, बांस होता है बांस, होता है बांस वर्ल्ड बांस। वो देखे शाह असलान ना काम लगा हुआ है, अंदर पिछानी है जल्दी और कर दे। सबसे पहले लाइट जला देना, मुझे डर लगता है। देखें ये बोर्ड और इसको डर लगता है, दिवाली अदा, ये देखें बकरे का काम, यहां तेरे कपड़े साफ है, इधर आ जा पीछे मेरे पीछे, हां गंदे ना हो जाए। ये रहा हमारा बकरा यहां खड़ा हुआ है, हमने इसके लिए इतनी चीज़ें जमा की हुई हैं, ये स्तूत के पत्ते हैं, और यहाँ पे ये देखें पिपल के हैं, और वो बरसीन है, अरसलान सुबह लाया था, लेकिन ये सिर्फ यार घास ही खाता है है ना, घास भी खाता है, कोई मार लेता है यार ना, थोड़ा थोड़ा खा लेता है। चलो यार ये जल्दी काम करो, फिर ऊपर का भी काम मुझे करना है। तो अब ये मैंने कर लिया है, हम बकरे को अंदर लगा, चल जल्दी से अंदर बंद कर दे, ये हमारा बकरा अंदर चला गया। चल ठीक है, बकरे में बसने लगा है अंदर, बकरे पंखे ठीक रहेंगे, बाहर रहने, चलो ठीक है, तो अब हम ऊपर जाकर अपना बाकी जो काम है वो कर लेते हैं। दोस्तों ये देखें हमारी यहाँ छत है ना, जो हमारी न्यू पिंजरे की, उस पे बांस भी डाल गए है और उसके ऊपर चिक भी डाल गई है, ये देखें। तो अब ना ये शाम तक इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा, फिर मैं भी ऊपर सोया करूँगा, यानी कि एक दो दिनों तक हमारी जो बकरी है ना वो भी हम ऊपर ले आएंगे। तो अभी तो देखें ऊपर ना वो काम जारी है, तो ये अब सिरकी है ना जो पूरी अभी करेंगे आगे वाली, और यहाँ पर जो छोटी सी है ना सिरकी जो पूरी यहाँ पर आनी थी, ये देखें इतना सा हिस्सा ना इसका बच गया था, तो जिस पे ना वो वाली अब न्यू सिरकी जो लाए थे सुबह सुबह ये वाली डालेंगे, और फिर ये पूरी हो जाएगी, और फिर ऊपर मिट्टी वगैरह ऐसी चीज़ें डालेंगे, और हमारा ना पिंजरा पूरा तैयार हो जाएगा। और आज मैं आपको एक दिखाता हूँ कि हम ना एक न्यू मुर्गी मेरे पापा लाए हैं, हमें बताया भी नहीं, और एकदम से ना सरप्राइज ले हैं, वो देखे वो ना आते साथ ही ऊपर चढ़ गई, वो ब्लैक रंग की है ये वाली जो यहाँ खड़ी हुई है ना, ये देखें ये वाली, अब हमारे पास तीन ब्लैक हो गई, ये देखें ये वाली है ना छोटी सी, ये अभी न्यू लाए हैं, अब एक ये वाली हमारी ब्लैक हो गई, एक वो वाली और एक ये वाली, तीन ब्लैक हो गई माशाल्लाह। देखें वो उसके पास ही जा रही, न्यू न्यू आई है ना, डर रही है, ये देखें ये है जो न्यू लाए है, ये भी प्यारी सी है बिल्कुल हमारी दूसरी मुर्गियों की तरह, जो हमारी ब्लैक है वो उसकी तरह, और ये है ना खा पी रही है। तो दोस्तों आज हमारा जो पिंजरा है ना ये वाला हमने बनाया है अपनी मुर्गी हमारे बकरियों के लिए, जो बड़ा कमरा ही आप कह ले, तो उसकी छत भी आज पक्की होगी, मैं आपको भी दिखाता हूँ, अभी तो रात होगी, फिर भी आपको ना एक बार चेक करा देते हैं, यहाँ से बन गई है उसकी छत, इधर मैं ना आपको दिखा देता हूँ, ये देखें जी अभी रात हो गई है तो जिसकी वजह सही नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये देखें ये ऊपर वाली सारी छत ना हमारी ये पक्की हो गई है, तो ये तकरीबन पूरा जो हमारा पिंजरा है ना वो तैयार हो गया है, और अब हम जो करवा रहे हैं वो हमारी जो बाकी छत है ना उसको भी हमने पक्की करवाना था, ये देखें ये टाइलें शाइलें आज आधी पे लग गई हैं, ये देखें आपके सामने ये सारी इतनी ज़्यादा टाइलें यहाँ तक लगी हैं, तो बाकी टाइलें इंशाल्लाह सुबह लगी, फिर इनके ऊपर ना सीमेंट वगैरह डाल के ना ये भी पक्का हो जाएगा, और हमारा जो पुराना वाला केज है ना वो भी इंशाल्लाह सुबह ना पक्का हो जाएगा, तो फिर हमें एक दो दिन तक बकरी को भी ले आएंगे, आज तो नहीं लेकिन एक दो दिन तक ना ऊपर ले आएंगे, और फिर मैं भी उनके साथ ऊपर ही होऊंगा, चार भी है तो ऊपर ना मैं भी सो करूँगा, स्नान भी सो जाएगा, और हमारी बकरी भी होगी, हो तो इंशाल्लाह मेरे पापा कह रहे थे कि हम ना और भी इनके साथ ही लाएंगे,
बनाया था हमने अपने बकरे के लिए था जो बीमार था उसकी वजह से, तो लेकिन वो तो अलग प्यारा हो गया, तो जो बकरी रहेगी वो भी, और इंशाल्लाह हम और भी लाएंगे और उनके लिए भी ना यहाँ सारा सेटअप तैयार वगैरह कराएंगे। और इधर देखिए मुर्गियों को अपने बंद कर दिया अपनी को, देखिए सारा पर्दा यहाँ से भी लगा लिया और इस तरफ से भी, ताकि जो ठंड है वो अंदर ना जाए, ठंड आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हमने आगे भी रख दिया पर्दा कर दिया और इस साइड भी कर दिया। तो अभी हम अपनी मुर्गियों को ना रोटियाँ भी डाल देंगे और जो बाकी रह गया इनका पानी वो भी हम ना अभी डाल देंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।